नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों, एस्पिरेंट का कुछ डाउट था तो आज इस वीडियो के माध्यम से उसी के बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले धारा सिंह कहते हैं कि ट्रेनिंग के कितने दिन बाद पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों, ऐसे बता दूं कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इतने दिन के बाद आपका पोस्टिंग हो ही जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 1 मंथ का टाइम लग जाता है दोस्तों पोस्टिंग होते होते। तो आप मान सकते हैं कि 1 मंथ के बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद सूर्यमणि कुमार बोलते हैं कि सर, नेक्स्ट बैच गुड्स गार्ड का कब आएगा? तो आपको बता दूं कि जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि गुड्स गार्ड और सीनियर सीसीटीसी का 20 अप्रैल और 24 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ है। इनका बैच लगभग जून लास्ट तक चलेगा। तो दोस्तों, गुड्स गार्ड का नेक्स्ट बैच मोस्ट प्रोबेबली जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आने का संभावना है दोस्तों, क्योंकि उस बैच के कंप्लीट होने के बाद ही आपका कोई भी नेक्स्ट बैच बुलाया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों का भी बैच कंप्लीट हुआ था 19 अप्रैल को, उसके बाद ही आपको पता होगा कि 20 अप्रैल से आप लोगों का गुड्स गार्ड का जो बैच था वो बुलाया गया था। तो यही है कि आपको जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट आशीष कुमार जी कहते हैं कि सर, अगर सीसीटीसी बैच को बुलाएगा तो एक साथ कितने को बुला सकता है? प्लीज़ रिप्लाई सर, सेम बोर्ड है सर एससीआर। तो आशीष जी, जैसे कि आप को मैंने बताया भी है, कई बार बताया है कि हम लोगों का लगभग अप्रॉक्सीमेटली 420 कैंडिडेट का एक साथ ट्रेनिंग चल रहा था। तो इस के आप लगा सकते हैं कि आप लोगों को भी अगर सीसीटीसी को बुलाया जा सकता है तो 400 के करीब कैंडिडेट को एक साथ आप लोगों को बुलाया जा सकता है। तो जरूर 400 कैंडिडेट एक साथ वहाँ पे आराम से जो है उतना लोगों का ट्रेनिंग हो सकता है। और जैसे कि अभी 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग चल रहा है तो इससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट का ट्रेनिंग एक साथ हो सकता है। उसके बाद रवि रंजन जी लिखते हैं कि लाइन ट्रेनिंग में एचआरए मिलता है सर? तो रवि रंजन जी, आपको बता दो कि लाइन ट्रेनिंग में एचआरए नहीं मिलता है। जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो पोस्टिंग के बाद आपको फैसिलिटी, बाकी सारी फैसिलिटी मिलती है। जब तक ट्रेनिंग चलता है उस समय आपको बस बेसिक और डीए, यही दोनों बस मिलता है। अगर कोई भी आप पोस्ट पे हैं तो आपको बस बेसिक और डीए मिलता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि बेसिक और डीए जोड़ के जो है आपको कितना अप्रॉक्स कितना सैलरी मिल जाता है। जब पोस्टिंग हम लोगों का दोस्तों हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर एक वीडियो बनाएंगे कि ऑल ओवर जितनी भी फैसिलिटी मिलती है एसएम को वो उसको मिलाते हुए कितनी सैलरी जो है बन जाती है पोस्टिंग के बाद। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जिससे कि मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो वीडियो और बनाने की मन भी होता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।